घटनाक्रम हुआ है उसके वीडियोस इधर उधर से जो आम जनता ने बनाए हैं वायरल हो गए हैं, तो घटनाक्रम तो आपको पता होगा, उसके बारे में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहूँगी। पर मैंने एक जगह पढ़ा कि उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि 1000 रुपये मांगे गए थे, सरासर गलत है। अगर 1000 रुपये की डिमांड हुई थी तो जब वो पहले आए थे 10:40 पर, तब तो माफ़ी मांग के गए, पूरा जो भी घटनाक्रम हुआ वीडियो बना, माफ़ी मांगी गए वो अच्छे से। 1 घंटे बाद उनको याद आया क्या कि 1000 रुपये मांगे गए थे। एक और जगह मैंने पढ़ा कहीं न्यूज़ में कि आरक्षक ने पैसे मांगे, उसके बाद उसने अपना नेम प्लेट उतार दिया। तो जितने भी वीडियोस हैं तो उसमें साफ दिख रहा है कि क्या घटनाक्रम हो रहा है, वो किस गलती में थे और किस लिए उनको रोका गया था। और अगर ये इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है तो मैं उनको बोलना चाहूँगी, CCTV फुटेज भी लगे हुए हैं और लोगों ने भी वीडियो बनाए हैं, उनके पास भी फ़ोन था, फ़ोन पर बात कर रहे थे, वो वीडियो बना लेते अगर ऐसी कोई घटनाक्रम हो रहा था कि हमने अगर कोई बदतमीजी करी थी या पैसे की डिमांड हुई थी तो उन्होंने वीडियो क्यों नहीं बनाया। जब इधर उधर से हमारे पास भी वीडियो आए हैं तो उनके पास भी पहुंचे होंगे, कहीं तो मिलेगा उनको। और अगर वो ये प्रूफ कर देते हैं कि 1000 रुपये रिश्वत वाली बात जो वो बोल रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाली बात है ना बदतमीजी करने के बाद, अगर वो प्रूफ कर देते हैं मैं इस्तीफ़ा दे दूँगी। आपका नाम बताइए। सुबेदार सोनू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.